नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिबुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग के जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, उनका करंट एनर्जी जानेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, जो भी मुझे चैनलिंग होता है एंजल्स एंड स्पिरिट का, इसके थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आप लोगों तक अपने रीडिंग के जरिए डिलीवर कर दूंगी। तो देखिएगा कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सा नहीं है, क्योंकि हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है, जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखेंगे। मैंने दो चिट्स निकाले हैं, जब मैं शफल कर रही थी तो दो चिट्स बाहर आए हैं। तो ऑप्शन वन के लिए आया है ये, ऑप्शन वन के लिए जो चिट आया है इसमें है, तुम सोच नहीं सकते तुम्हें कितना सोचते हैं हम। ठीक है, तुम सोच नहीं सकते तुम्हें कितना सोचते हैं हम। और ऑप्शन टू के लिए जो चिट निकला है वहाँ पर है, हम बहुत जल्द मिलेंगे, हैव फेथ। हम बहुत जल्द मिलेंगे, हैव फेथ। ठीक है, सो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू, आपको जो भी चिट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी मैसेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन वन है, तुम सोच नहीं सकते तुम्हें कितना सोचते हैं हम। एंड ऑप्शन टू है, हम बहुत जल्द मिलेंगे, हैव फेथ। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर वन, अगर आप लोगों ने इस चीट को चूज़ किया है, तुम सोच नहीं सकते तुम्हें कितना सोचते हैं हम, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर वन। थैंक यू सो मच इन स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन उनके व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। आई एम हियरिंग मनी, करियर पर बहुत फोकस कर रहे हैं, पैसे कमाना, पैसे इंक्रीज करना। थैंक यू। करंट एनर्जी में मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, इल्यूजन्स में है, किसी किस्म के इल्यूजन में है आपके पर्सन इस वक्त, कन्फ्यूजन, इल्यूजन। थैंक यू। तो यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्स। थैंक यू। करंट एनर्जी क्या है ऑप्शन वन के व्यूअर्स के पर्सन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पर तीन है, एक है टू ऑफ कप्स, देन यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ कप्स। करंट एनर्जी क्या है ऑप्शन वन के व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, जो लवर हैं या हस्बैंड वाइफ जो भी है, उनका करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, बहुत सारे गिर रहे हैं। बाय द वे, यहाँ आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, जिनको आप प्यार करते हैं। क्या करंट एनर्जी क्या है ऑप्शन के व्यूअर्स के पर्सन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी किसी के लिए मुझे मैसेज आना, जैसे कि इनकी फैमिली में किसी किस्म का इशू चल रहा है। ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है कुछ ऐसा, उनकी फैमिली में कुछ इशू चल रहा है, मे बी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ इस टाइप का सिचुएशन चल रहा है उनकी फैमिली में। यहाँ पर है टेन ऑफ वॉन्स। थैंक यू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। टॉप ऑफ द कार्ड द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्स। यहाँ पर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। या सो यहाँ पर साइंस अवेलेबल हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बट आप अपने एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, ओके। ये सब साइंस हम सभी की बर्थ चार्ट पर होता ही है। यहाँ पर एरीज बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी मुझे इस वक्त मिल रहा है, या डेफिनेटली नो डाउट वो एक किस्म की इल्यूजन में है। हाल फिलहाल में या फिर कुछ हफ्ते भर पहले उनके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट तो हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, जो सही नहीं था, पेनफुल रहा है। ओके, एक किस्म का बुरा सिटुएशन जिसको हम कहते हैं टावर मोमेंट, ओके, वो गुजरा है। इसका इम्पैक्ट अभी भी इनके ऊपर पड़ रहा है, इनकी इमोशनल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर अभी भी पड़ रहा है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा था कि फैमिली के साथ उनका कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो जो कुछ भी हुआ टावर मोमेंट, चाहे जिस रीज़न के वजह से भी आया हो, प्यार मोहब्बत के वजह से आया हो या फिर घर वालों की वजह से आया हो, जो भी है रीज़न, उसकी वो एनर्जी अभी भी उनके इर्द गिर्द मौजूद है। वो एनर्जी, वो लोअर वाइब्रेशन, सैडनेस। ओके, आई एम हियरिंग इम्पल्सिव, मे बी ये इंसान थोड़े इम्पल्सिव है। ओके,
तो जो जो चीज़ें इन्होंने देखा है टाओ मोमेंट, जिस रीज़न से भी आया है, कहीं ना कहीं इनके खुद के कर्मों की वजह से ही इनको मिला है वो टाओ मोमेंट। देखिए वो बुरा सिचुएशन इनके खुद के कर्मों की वजह से इनको मिला है जी, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ। ओके, मुझे थोड़ा इस टाइप का वाइब्स आ रहा है कि उनका लव लाइफ में ही टाओ मोमेंट आया है, शायद आपके साथ या फिर किसी और के साथ, आई डोंट नो, बट मुझे ये दिख रहा है जैसे कि लव लाइफ से रिलेटेड उनका मतलब बुरा सिचुएशन चल रहा है। ओके, जिसका इम्पैक्ट अभी भी इनके ऊपर पड़ रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लाचार है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, उन्हें होप नज़र नहीं आ रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। वो फोकस कर रहे हैं करियर के ऊपर, फिलहाल उनका करियर ही सही जा रहा है, अदरवाइज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। उनका लव लाइफ और उनके घर वालों के साथ भी जो है कनेक्शन, वो भी मुझे स्मूथली जाते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। मुझे ये दिख रहा है जैसे कि इंसान बहुत ग्रो करना चाहते हैं करेंटली, जो उनकी एनर्जीज हैं वो चाहते हैं कि वो खरे उतरे, यू नो, जो भी सिचुएशन है उसको फेस करके आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो, चाहे वो करियर में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, उनके लाइफ में खुशियाँ आए, वो ये चाहते हैं। लेकिन राइट नाउ वो इस सिचुएशन में नहीं है। एक किस्म की साइकिल का कंप्लीशन हुआ है इस शख्स का, जैसे कि कोई कार्मिक साइकिल। अगर ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी के साथ इनका बुरी तरह से मतलब अगर इनका किसी और के साथ लव रिलेशन चल रहा है आपके अलावा, तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ इनका डेफिनेटली बहुत बुरा सिचुएशन हुआ है। ओके, तो ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिनके लाइफ में कोई तीसरा इंसान मौजूद है, अदरवाइज़ ये सभी के लिए नहीं है। ओके, ये एक चीज़ है। साथ ही साथ फाइनेंशियली ये काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, बट स्टिल ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास और भी ज़्यादा पैसे आएँ, और भी ज़्यादा वो सक्सेसफुल बने, क्योंकि इनके सपने काफ़ी बड़े हैं। ओके, इनके सपने काफ़ी बड़े हैं, ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट पर्सनल लाइफ उनका सही नहीं जा रहा है। इस वजह से इस वक्त उनकी वाइब्रेशन काफ़ी लो है, और इस वजह से वो काम में भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी टाओ मोमेंट आया, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ जिस वजह से इनकी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ ख़राब हुआ, इस वजह से कहीं ना कहीं इस दौरान इनकी सेंसेस काम कर रहा है, सिक्स सेंस। ओके, सिक्स सेंस, इनका इंट्यूशन काम कर रहा है। वो इस वक्त ठहराव में है, लाइक पॉज मूड में है, हड़बड़ी में। अगर ये इंसान थे, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी हड़बड़ी में रहते थे, हड़बड़ी में कि जैसे कि बहुत कम टाइम में मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, जल्दी जल्दी शादी करना है, रिलेशनशिप में फटाफट आगे बढ़ना है, देन शादी करना है, ये करना है, वो करना है, कम टाइम के अंदर बहुत कुछ अचीव करना, कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि इनके अंदर थोड़ी जल्दबाजी वाला एनर्जी था। बट जो भी टाओ मोमेंट आया है, इस वजह से इंसान इस वक्त पॉज मूड में है, एक्शन लेने के मूड में नहीं है, और बहुत ही थके हुए से लाचार से मुझे महसूस हो रहा है इस इंसान की एनर्जी। वो चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, घर वालों के साथ भी सब कुछ ठीक हो जाए, बट हो नहीं पा रहा है। तो इस वजह से वो काफ़ी बेबस महसूस कर रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर नहीं पा रहे। अनसेटिस्फाइड आई एम हियरिंग, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, बिल्कुल भी नहीं। तो करेंटली आपकी पर्सन की एनर्जी ये है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से। अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिस और हर करेंट सिचुएशन। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज था वो था, तुम सोच नहीं सकते तुम्हें कितना सोचते हैं हम। करेंटली वो जिस एनर्जी में है, जैसे कि उन्होंने कुछ लॉस कर दिया, उन्होंने कुछ गवा दिया, इस टाइप की जो वाइब्रेशन में वो है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। ओके, चाहे वो आपके साथ कनेक्शन में हो या किसी और के साथ कनेक्शन में हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट राइट नाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि इंसान गिल्ट में है और उन्हें आपकी आपको मिस कर रहे हैं बहुत। हो सकता है आप लोगों को कभी कभी काफ़ी
मिसिंग एनर्जी फील हो, जैसे कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि इस उसी वक्त सेम टाइम पर आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हो, ओके। क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख रहा है, शायद आप ऐसे बहुत से लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है इस शख्स के साथ, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। और अगर नहीं चल रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो भी मुझे कुछ खास बातचीत होते हुए यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहे। अगर आप लोगों का बहुत सही चल रहा है लव लाइफ, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ओके। अब दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की लव लाइफ बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ सा है। लेट्स सी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, इंसान ऑप्शन वन के व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एनर्जी एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन वन के व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच। आई एम हियरिंग लॉयल्टी, लॉयल्टी, या तो आप बहुत लॉयल थे इनके साथ, या फिर आप लॉयल नहीं थे, ये शख्स लॉयल थे, इन दोनों में से कुछ एक होगा, वाइस वर्सा देख लीजिएगा, क्योंकि दो तरीके के लोग मेरी रीडिंग देखते हैं, इस वजह से मैं ऐसे बोल रही हूँ। या तो आप काफ़ी लॉयल थे, ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं रहा, या फिर ये इंसान आपके साथ लॉयल थे बट आप इनके साथ लॉयल नहीं रहे, यू नो, देख लीजिएगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर वन। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में, और जैसे कि कई सारे डोर ओपन हो रहा है इस वक्त, एंजल्स की प्रोटेक्शंस हैं आप लोगों को, आप लोगों के लिए, ठीक है, एंजल्स गाइड कर रहे हैं। अगर इस इंसान, अगर ये इंसान आपको, आपके साथ लॉयल नहीं थे, या फिर कुछ भी इस टाइप का सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ है, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान को गाइड किया जा रहा है कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ओके। क्योंकि मुझे कुछ डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कुछ ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, ओके, कुछ ब्लॉकेजेस मानो हट रहे हैं, इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है इस फाइल से। थैंक यू सो मच, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में, फॉर ऑप्शन वन, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एंड वन लास्ट कार्ड, थैंक यू, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉप ऑफ द कार्ड है टेन ऑफ कप्स, डेथ। तो डेफिनेटली ये शख्स जो है, यहाँ पर भी वो सभी साइंस हैं जो यहाँ पर मैंने बोला था, लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस भी यहाँ पर अवेलेबल है, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान टर्म मोमेंट से गुजर रहा है, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन इनके लिए इस वक्त काफ़ी पेनफुल है, करेंटली वो जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए पेनफुल है। डेफिनेटली जो चीज़ मुझे दिख रहा था, मैंने बोला था कि फटाफट शादी करना है, फैमिली करना है, ये वो करके काफ़ी फास्ट एनर्जी में थे ये शख्स। तो हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, टर्म मोमेंट जो आया है, मुझे सुनाई दे रहा है हफ्ते भर पहले या एक दो हफ्ते पहले की बात है जो टावर मोमेंट आया है, या तो हफ्ते भर पहले हुआ है या फिर दो तीन हफ्ते पहले की बात है जो टावर मोमेंट आया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो जो फास्ट उनका मोमेंट था कि शादी करना है, ये करना है, वो करना है, वो एक पॉज मोड में चला गया, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचते थे कि वो आपके साथ फैमिली कर सके, ओके। करेंटली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस है, ये भी मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है, और उन्हें ये भी लगता है कि आपके पास भी ऑप्शंस है। फिलहाल आपके पर्सन के पास आपके अलावा और एक ऑप्शन है, मुझे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस है, आपके पास दो तीन से ज़्यादा ऑप्शंस है, आपके पर्सन को करेंटली ये फील हो रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और चीट करके वो किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए, या फिर अगर नहीं भी गए तो भी अगर उन्होंने आपको चीट किया है, हर्ट किया है कुछ इस टाइप का, तो उन्हें इस बात का इस वक्त डर है कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके एडमायरर्स बहुत है, आपको पसंद करने वाले लोग बहुत है, तो उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वो आप
उन्हें छोड़कर किसी और की तरफ ना चले जाए, किसी और के साथ आप फैमिली स्टार्ट ना कर दे, कमिटमेंट ना दे दे, यू नो इस टाइप का वाइब्स उन्हें आ रहा है। उन्हें ये चीज़ अभी फील हो रहा है जैसे कि आप उनको बहुत प्यार करते थे, ट्रूली आप बहुत गिवर थे, आप देते थे, लेने के बाद में उतना सोचा नहीं आपने, इस वजह से इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुआ है टू बी ऑनेस्ट। तो उन्हें ये चीज़ फील हो रहा है कि हाँ उसने मुझे बहुत प्यार दिया, उसने मेरे साथ, वो मेरे साथ काफ़ी लॉयल रही या लॉयल रहा मेरे साथ, यू नो इस टाइप की चीज़ें उन्हें इस वक्त फील हो रहा है। किसी किस्म की नाइटमेयर्स अगर मैं बोलूँ तो नाइटमेयर्स आते हैं उन्हें, अचानक से रात को मिडनाइट जाग जाना और जागने के बाद यही सब बातें आना, कुछ और बात नहीं, यही सब बातें दिमाग में आना कि क्या हो गया सडनली, ये सब क्या हो गया, यू नो वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इश्यूज हैं वो उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है जैसे कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं कर पाएंगे ईजीली। वो चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट हो, आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उनको ब्लॉक ना कर दें, कहीं आप उनको खड़ी खोटी ना सुना दें। उन्हें भी पता है कि आपकी इंट्यूटिव नेचर है, आपका इंट्यूशंस काफ़ी अच्छा है, आपके पर्सन के हिसाब से काफ़ी यंग वाइब्स हैं आपके अंदर, हो सकता है आप एज में भी काफ़ी यंग हो आपके पर्सन से, और एक बचपना वाली नेचर उन्हें आपके अंदर दिखता है, एक फ्रेश वाइब्स उनको आपसे मिलता है, आपके पर्सन को। राइट नाउ वो यही सब सोच रहे हैं आपके बारे में कि कहाँ क्या मिस्टेक हुआ, आप कहीं उन्हें ठुकरा तो नहीं दोगे, समथिंग यू नो इस टाइप के वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से। एक और मैसेज मैं लेना चाहती हूँ, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर वन। थैंक यू, इतने सारे नहीं लूँगी मैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वो आपसे मैसेज करना चाहते हैं, ईडीस, यहाँ पर जो मैसेज आया वो है ईडीस, रेनबोज एंड मैसेजेस, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर बहुत कम बात करते हैं, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियरली बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और एक होप है उनके अंदर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ वो ऐसा भी फील करते हैं जैसे कि आपका उनके लाइफ में जब, मतलब आप जब उनके साथ थे, उनके साथ जब आपकी बातचीत होता था, सब कुछ सही तरह से चल रहा था, तब उनके लाइफ में एक अलग ही किस्म की खुशियाँ थी, एक अलग ही किस्म की ब्राइटनेस था, बट अभी वो नहीं है, अभी काफ़ी डार्कनेस है उनके लाइफ में। ओके, लेकिन जब आप उनके साथ कनेक्शन में थे, जब आप लोगों का सब कुछ सही चल रहा था, तब वो काफ़ी खुश थे और उनके लाइफ में तब काफ़ी ब्राइटनेस था। हो सकता है अभी आपको ऐसा लग सकता हो कि कहाँ वो खुश थे, वो तो झगड़ा करते थे ये वो करके, लेकिन करेंटली जो उनका सिचुएशन है उससे वो यही फील कर रहे हैं कि इससे पहले का सिचुएशन मेरे लिए बेहतर था, अभी का जो सिचुएशन है वो टॉक्सिक है, अभी वो जिस सिचुएशन में है वो उनके लिए काफ़ी हैवी और डार्कनेस वाला सिचुएशन है। ओके, फिलहाल मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। अगर रीडिंग आपके साथ ज़रा सा भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आने पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऑल्सो लाइक कीजिएगा, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर टू, अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, हम बहुत जल्द मिलेंगे, हैव फेथ, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर टू, किसी ने ऑप्शन वन को भी देखा था, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है यहाँ पर, लेट्स सी। ऑप्शन टू के व्यूअर्स के जो पर्सन है, चाहे ये लवर हो, क्रश हो, हस्बैंड वाइफ जो भी है, उनका करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी किस्म की क्लियरिटी मिला है करंटली आपके पर्सन को, क्लियरिटी मिला है। अगर वो इससे पहले काफ़ी कन्फ्यूज थे, इल्यूजन में थे, तो उनको क्लियरिटी मिला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फादर ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स,
ऑप्शन टू के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दो कार्ड है यहाँ पर, एक है एम्प्रेस, देन यहाँ पर द फूल। ओके, मुझे कुछ सेलिब्रेशन टाइप का वाइब्स आ रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, जैसे कि वो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या करने वाले हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं समथिंग। ओके, लेट्स सी ऑप्शन वन के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। डिसेंट स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर वन। यहाँ पर है आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स एंड वन लास्ट कार्ड, करंट एनर्जी क्या है शख्स का, प्लीज़ मुझे बताइए। डिसेंट स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ओके ओके, तो यहाँ पर है सन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द सन, मैंने सेलिब्रेशन के बारे में बोला था ना, राइट? तो यहाँ पर है द सन बॉटम ऑफ द डेक। टॉप ऑफ द कार्ड है द हायरोफेंट, क्लियरिटी मिलना। यहाँ पर जो साइंस अवेलेबल है, एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एक्वेरियस एंड लियो, ये साइंस मुझे मिल रहा है यहाँ पर फिलहाल। ओके, आगे भी हम देखेंगे, बट आप लोग एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है? तो ऑप्शन वन से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है मुझे ये वाला पाइल। ऑप्शन वन के जो पाइल थे उसमें काफ़ी सैडनेस था, बट यहाँ पर मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्म हुए हैं ये जो शख्स हैं, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनकी लाइफ में, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो क्लियरिटी लेकर आए हैं उनके लाइफ में, किसी किस्म की क्लियरिटी। पास के अगर किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, चाहे वो आप हो या कोई और हो, किसी इंसान को लेकर अगर वो कंफ्यूज थे, क्यों नो कन्फ्यूज थे चूज़ करने के मामले में, या किसी के बारे में वो कुछ गलत सोच रहे थे, एक्चुअल में गलत नहीं था बट वो गलत सोच रहे थे कुछ इस टाइप का, तो वो मुझे क्लियरिटी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत सोचा, एक्चुअल में वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है। यू नो कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है इस शख्स से करेंटली। अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं इंसान, अपनी फैमिली के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि शादी, फैमिली प्लानिंग, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें फैमिली करना है, शादी करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, ये वाइब्स मुझे आ रहा है। ये उनके लिए हैं जो अनमैरिड हैं, ठीक है? और जो मैरिड देख रहे हैं इस वक्त, मुझे दिख रहा है जैसे कि ये शख्स अपनी फैमिली, अपनी मैरिड फैमिली के लेके लेकर, सॉरी अटक रहा है मेरा गला, अब बातें अटक रही है, सॉरी सॉरी। तो जो मैरिड हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो फैमिली है, फैमिली जो मैरिड लाइफ है उसमें ग्रोथ आए, उसमें स्टेबिलिटी आए, बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं इस वक्त। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि वो सेविंग्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आगे जाकर उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, उनकी हस्बैंड वाइफ बीबी बच्चे हैं, यू नो उन सबको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। फिलहाल मुझे प्लानिंग बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर को लेकर, या फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग। यहाँ पर मुझे दो टाइप की भी एनर्जीज मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर सन है, यहाँ पर मून है, हालांकि ये एम्प्रेस कार्ड है बट यहाँ पर मून भी है। कुछ व्यूअर्स हो सकता है यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी। फिलहाल आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, ओके, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो काफ़ी फिलहाल वो काफ़ी मुझे खुश नज़र आ रहे हैं, वो मुझे अपसेट किसी भी एंगल से नज़र नहीं आ रहे हैं। क्रिएटिव साइड्स, उनकी जो भी मतलब आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। घर बनाना मुझे सुनाई दे रहा है, घर बनाना, हो सकता है कि इंसान घर बना रहे हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन डेफिनेटली इंसान करेंटली फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, और ख़ुद को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल करना है, और भी ज़्यादा आगे लेकर जाना है, अपनी लुक्स के ऊपर काम करना, अपनी ब्यूटी के ऊपर काम करना, अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ ब्यूटी के ऊपर काम करना, ये चीज़ मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से। बाहर से हो सकता है ये इंसान थोड़े सख्त टाइप के हो, थोड़े रूड टाइप के, रूड भी नहीं बोलूँगी, बट हो सकता है ये बाहर से थोड़े ईगोइस्टिक या सख्त टाइप के हो,
लोग इजीली इनके साथ हंसी मजाक नहीं कर पाते हैं, कुछ इस टाइप का वाइब्स आ रहा है मुझे, हर एक के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। बट इस इंसान के अंदर एक बहुत ही मासूम सा बच्चा जैसा एनर्जी है जो वो हर किसी के सामने नहीं दिखाते हैं। ये बाहर से बहुत ही कॉन्फिडेंट है, अंदर से भी कॉन्फिडेंट है नो डाउट, लेकिन समटाइम्स ये इंसान थोड़े सहमे हुए से रहते हैं। फिलहाल मुझे वो चीज़ दिख रहा है इस इंसान के अंदर, वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर को लेकर, उन्हें पता है कि सब कुछ ब्राइटफुल है, सब कुछ अच्छा होगा, उनकी शादी होगी, अगर ये अनमैरिड है तो वो उनकी शादी भी होंगे काफ़ी अच्छे से होंगे, अगर वो मैरिड है तो या उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा मतलब ऑप्टिमिस्टिक वो सोच रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो अंदर से कहीं ना कहीं थोड़े डरे हुए से भी हैं, डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि क्या सच में ये सब कुछ होगा, क्या सच में ये सब कुछ सही होगा, क्या सच में प्लानिंग के हिसाब से होगा जैसा हम सोच रहे हैं, क्या वैसा होगा। इस टाइप की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ये इंसान जितना मेच्योर्ड है एट द सेम टाइम ये उतने थोड़े से इमेच्योर्ड भी है, एक बचपना वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बात करने वाला इंसान नहीं है, टॉकेटिव बिल्कुल भी नहीं है, कम बातचीत करते हैं, काफ़ी जेंटल वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, क्लासी जेंटल इस टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है। ओके, राइट नाउ ये इंसान अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस। यहाँ पर देखिए इन दो कार्ड्स में कुछ सिमिलरिटी मुझे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर जड़ें हैं और यहाँ पर जो पत्ते हैं वो भी ऑलमोस्ट जड़ों की तरह ही नज़र आ रहे हैं। ये इंसान रूट से लेकर अपने क्राउन तक काफ़ी मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे ये शख्स काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं, बहुत बैलेंस्ड है, और ये अपने लाइफ में खुशियाँ काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है शख्स की तरफ से। बहुत काम कर रहे हैं खुद के ऊपर, इन्होंने अपनी शैडो साइड्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, इस शख्स ने शैडो साइड के ऊपर बहुत काम किया है, अपनी जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ है इसके ऊपर बहुत काम किया है इस शख्स ने। ये हार नहीं मानने वाले। लेट्स सी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। फिलहाल मुझे उनके करंट एनर्जी में यही मिल रहा है। इंट्यूशन लेवल इनका अच्छा हो सकता है, मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है, इनकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा है, हीलिंग एबिलिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छे हैं। लेट्स सी आपके बारे में वो फिलहाल क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर टू, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये शख्स क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। इंडियन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। एक सॉन्ग बज रहा है, पुराना सॉन्ग है, फिल्म में शायद ऋषि कपूर जी थे, ऋषि कपूर तब यंग थे, हीरोइन कौन थी, शायद दिव्या भारती है, या दिव्या भारती सॉन्ग है, पायलिया हो वो गाना, तेरी पायलिया कुछ ऐसा था, मतलब मैं भूल गई, सॉरी लिरिक्स में भूल गई, तो वो गाना रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप पायल पहनते हो या फिर आपको पायल काफ़ी पसंद हो या फिर आपका नाम भी पायल हो सकता है, बट या उन्हें कुछ अच्छा आ रहा लगता है आपकी कुछ बातें याद करके। मे बी आप कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते हो, मेटलिक टाइप के ऑर्नामेंट्स, झुमका वगैरह, एयरिंग्स, थोड़े इस टाइप के पायल वगैरह, तो उन्हें वो चीज़ अच्छा लगता है आपके अंदर। लेट्स सी इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू, यहाँ पर दो दो हैं, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, माय गुडनेस। लेट्स सी ऑप्शन टू के जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन, उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं ये शख्स। ऑप्शन टू के व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। जिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ। इंसान ऑप्शन टू के व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है मगरमच्छ। पॉसिबिलिटी है कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है। देखिए बुरा मत मानिएगा, दो तरीके के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, ओके, वाइस वर्सा आप देख लीजिएगा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि शायद आपने इनको चीट किया था, ठीक है, अगर आपने इनको चीट किया था तो वो आपको लेकर ये चीज़ फील करें कि मगरमच्छ क्या आंसू झूठे होते हैं, बोलते हैं ना फॉल्स, खतरनाक, डरावने, ओके। तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके साथ नहीं। यहाँ पर है चैरियट,
एंड वन मोर कार्ड। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन टू। हीलर आई एम हियरिंग। थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द सन। माई गॉड, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक सन, यहाँ पर भी सन, यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये शख्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो एनर्जीज मुझे मिलेगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है। देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है यहाँ पर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, या कैंसर बहुत स्ट्रांग है, ये है साइंस। या तो आपने इनको किसी और की वजह से चीट किया, या फिर इन्होंने आपको किसी और की वजह से चीट किया। ये तो फुल एंड फाइनल, मतलब फुल गारंटी के साथ ये चीज़ मैं बता सकती हूँ, किसी ने किसी को तो चीट किया है। दो तरीके की मुझे वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है, या तो आपने चीट किया इनको, या फिर इन्होंने आपको चीट किया। मगरमच्छ जो मुझे सुनाई दे रहा था, इससे एक और मुझे चैनलिंग हो रहा है, जैसे कि अगर आपने इनको चीट नहीं किया था और इन्होंने अगर आपको चीट किया है, इट मीन्स ये शख्स अपनी ट्रू सेल्फ आपके सामने नहीं दिखा रहे हैं, अपने ट्रू सेल्फ को आपके सामने इस वक्त वो छुपा कर रखे हुए हैं। ओके, करेंटली जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, ठीक है, आपको लेकर फीलिंग्स है। उन्हें ये लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी अच्छे से फैमिली मैनेज कर सकते हैं, ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ, जो संभाल सकते हैं, बड़ों के साथ भी अच्छे से अपनी बॉन्डिंग निभा सकते हैं, एक ऐसे इंसान। साथ ही साथ एट द सेम टाइम ये इंसान आपको काफ़ी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, करियर ओरिएंटेड इंसान के तौर पर भी देखते हैं, इंडिपेंडेंट, वेरी इंडिपेंडेंट। आप एक ही टाइम पर करियर एंड ऑल्सो फैमिली दोनों ही संभाल सकते हो, आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लगता है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत खुश रहते हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ही नहीं, आप बहुत खुश रहते हो। कुछ छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे, ट्रू सेल्फ वो दिखा नहीं रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रहे हैं, या तो आपने इस शख्स को धोखा दिया था, या फिर इन्होंने आपको चीट किया था। ओके, दोनों में से किसी ने तो किसी को चीट किया ही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और राइट नाउ आपके पर्सन जो आपको लेकर फील कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, तो उन्हें इस बात का रिग्रेट भी है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, और अभी आप इतना ग्रो कर रहे हो, इतना सक्सेसफुल बन रहे हो, आपकी लाइफ में इतना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। क्यों वो इस तरह से देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि आपने इनको बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार दिया था आपने इस शख्स को, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं और गलत फ़ायदा उठाया। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैसेज में, वही बता रही हूँ। या प्यार तो वो आपसे करते हैं, नो डाउट, लेकिन वो छुपा रहे हैं। दोनों में से किसी ने तो किसी को चीट किया है, यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। अगर आपको चीट किया है इस शख्स ने, तो अभी वो आपकी ग्रोथ देखकर काफ़ी शॉक्ड हो रहे हैं, शॉक्ड, एंड कहीं ना कहीं उन्हें अभी मिसिंग वाइब्स है, मतलब आ रहे हैं उनके अंदर, उन्हें ये फील हो रहा है जैसे कि वो मिलेंगे ज़रूर आपसे, और मिलकर खुलकर दिल की बात करेंगे। जो भी गलतियाँ किया है उन्होंने, वो सब वो क्लियर करेंगे। और अगर आपने इस शख्स को चीट किया है, इन्होंने आपको नहीं किया है, तो आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि भले ही तुमने मुझे चीट किया, भले ही तुमने मेरे साथ गद्दारी किया, लेकिन अब देखो मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ, मैं बहुत ग्रो कर रहा हूँ अपने लाइफ में, सक्सेसफुल बन रहा हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। डेफिनेटली मैं तुम्हें मिस करता हूँ या करती हूँ, बट मैं अपसेट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ग्रो कर रहा हूँ, मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ, और आगे और भी ग्रो करने वाला हूँ, ग्रो करने वाली हूँ, और एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, और मिलकर मैं तुम्हें ये बात डायरेक्टली तुम्हारे सामने बोलूँगा या बोलूँगी कि देखो तुमने ऐसा किया मेरे साथ, अब देखो मैं कितना ज़्यादा
आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, सक्सेसफुल बन रहा हूँ, सक्सेसफुल बन रही हूँ, यू नो मुझे ये मैसेज मिल रहा है फिलहाल। देखिएगा आपका सिचुएशन क्या है। ओके एक और मैं मैसेज लूँगी दूसरे डेक से। ऑप्शन टू के व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेटफुल, वो काफ़ी ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि वो आपसे मिले, आपके जैसे इंसान से मिले, उन्हें इस बात का मतलब पछतावा नहीं है, वो ग्रेटफुल फील करते हैं। अगर इस शख्स ने आपको चीट किया था तो उन्हें पछतावा है और एट द सेम टाइम वो काफ़ी ग्रेटफुल है ऊपर वाले का कि उन्होंने उनको आपके जैसे इंसान मिले, वो आपके जैसे इंसान से मिले, यू नो जिन्होंने उनसे इतना प्यार किया। और अगर आपने इनको चीट किया था, इन्होंने आपको चीट नहीं किया था, तो वो इस बात को लेकर ग्रेटफुल है कि थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, अगर ये क्रिएट नहीं हुआ होता तो मैं इतना ग्रो नहीं कर पाती, तो मैं इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, मैं अपने शैडो साइड्स के ऊपर काम नहीं कर पाता। थैंक गॉड मेरे साथ ये सब सिचुएशन क्रिएट हुआ, तभी जाकर मैं खुद से मिल पाई, खुद से मिल पाया, यू नो ये मैसेज है उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए। देखिएगा सिचुएशन क्या है, आपने इनको चीट किया था या इन्होंने आपको चीट किया था, उसी के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा, ठीक है। अगर रीडिंग आपको सब रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।